पर मैं और सोना दोनों जा रहे हैं थेरेपी के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन काम ने क्या किया बोतल के हालात। खा खा के भैंस हो जाऊंगी पर खाती जाऊंगी मजे ही मजे। तो भाई ये अपनी जो है टेबल आ चुकी है ऊपर वाले रूम के लिए, इसे ऊपर ले जाना, काफ़ी भारी है, इलेक्ट्रिक है एक्चुअली, जो नीचे वाला इसका स्टैंड है इलेक्ट्रिक है, इसको हम जो है अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे जैसे तुम बैठ के काम कर रहे हो, बहुत देर हो गई तो मैं आप खड़े होकर काम करना है, बटन दबाया ऊपर आ गई टेबल, तो उस हिसाब से है, तो इसे ऊपर वाले कमरे में सेटअप करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना ऊपर वाला कमरा अभी हमें पूरा एक बनाना है अपना ऑफिस टाइप का, तो उसी के लिए मंगाई है। सो भाई अभी हम ये अपने टेबल असेंबल हमने की है, ये देखने में ऐसा लग रही है कि बस ये और ये ही तो जोड़ने थे, कौन सी बड़ी बात है, पर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिकली, ये ना पूरी की पूरी, तो ये थोड़ा सा देख देखनी पड़ती है कि इसका कंट्रोलर है ये, इसमें क्या मोटर लगी हुई है, वहाँ एक मोटर लगी हुई है, इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो तुम बटन से ही, इसमें यहाँ पे मतलब USB वगैरह लगा सकते हो, ये इसका पावर है, मतलब पावर के लिए पूरा सप्लायर है इसका, तो यहाँ लगेगी इसमें से पावर जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें, एक बार जब पूरा सेटअप हो जाएगी उसके बाद देखते हैं। इसका जो टेबल टॉप है मैंने वो इस कलर का मंगाया, ये मुझे वाइट मिला नहीं तो मैंने ये मंगा लिया, वाइट मिल रहा था फिर वो दूसरी थोड़ी नीचे की कंपनी थी, मतलब क्वालिटी का इशू था, तो मैंने कहा नहीं प्राइस ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्राइस मत सुनो तुम, 40,000 की टेबल नहीं, 40 नहीं है, 58 की है, ऑफर में मिली है 41 की, 41,000 की टेबल है। मेरे को नहीं पता, एक भी नहीं चला मुझे। अभी आज के जो पेज कसने का जो काम है सिमन जी को दिया गया है, क्योंकि मेरे साथ में चोट लग रही है, तो मैं एक हाथ से जो थोड़ा बहुत वैसे काम वो कर रहा हूँ। हाँ सिमन का सपना पूरा हुआ, सिमन जो करी मुझे बचपन में पापा जो है ये बोल्ट है ना ये कसने नहीं देते थे, पेज कस नहीं चलाने देते थे, मैंने कि जब भी तो मैं तेरा सपना पूरा करवा रहा हूँ कि आज चल तू बोल्ट कस, तो ये हमने असेंबल कर लिया, मतलब इस ये बेसिकली इस चेयर से, जब ये मैंने ये चेयर असेंबल करी थी ना तब, खैर मैंने अकेले ने करी थी, पर ये जो है इसने ज़्यादा टाइम लिया था असेंबल होने में, ये फिर भी 1 घंटे हो गए, वो भाई साहब 2 घंटे में असेंबल हुई थी, बोल्ट में टाइम नहीं लगा, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा, ये पार्ट्स बहुत छोटे-छोटे लगे। इसमें क्या है, इसमें जो भी चीज़ें बताई हैं टेबल के लिए वो बिल्कुल क्लियर बताई हैं, सारा ये चेयर वालों ने ना भाई साहब इतना कन्फ्यूजिंग बनाया था ना वो पूरा, कि भाई गाइड के भाई क्या ही तुमको समझ ही ना पाओ। और यही कमरा है जो मैं बताता हूँ ना, ये डांस रूम हुआ करता था एक टाइम पे, देखो वहाँ पे पूरे में ग्लास लगे हुए हैं, यहाँ भी पूरे में क्लास लगे हुए हैं, तो जब मैं स्कूल में था 11th क्लास में, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करता था, सिखाता भी था अपने ही घर में, ये पूरा मैंने मेरा खुद का एक स्टूडियो था, डांस स्टूडियो बोल सकते हैं उस टाइम पे, मतलब 2010 की बात कर रहा हूँ मैं जब उस टाइम पे, फिर उसके बाद यहाँ से भाई बाहर चले गए, डांस वांस ख़त्म हो गया, फिर तो ऐसे रह गया, तभी इसको मैं सोच रहा हूँ टेबल को वहाँ लगाएंगे, ये पूरा जो ये जो दीवार है ना इसको बंद कर, मतलब इसके ऊपर ना पूरा वो करवाएंगे पैनल लगवा के, पूरा बंद, और ये फिर ये टेबल वहाँ जाए, और कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, और ये ग्लास का भी देखना पड़ेगा कि इसमें से एक ग्लास बंद करवा दूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा तो ये इसमें साउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा भाई साहब गूंजेगी, एको बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये ग्लास बंद करवाने पड़ेंगे, बाकी इसका भी देखते हैं, टेबल क्लिप भी दिए, अरे वाह भाई, हाँ कंपनी यही होता है, अच्छी कंपनी का एक फ़ायदा जो है ना, बढ़िया कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कौन सी, मैं तो लो भाई बता भी देता हूँ क्या नाम है इसका, एर्गो यू कंपनी की है भाई, ठीक है, हाँ ये मुंबई में मैन्युफैक्चर होती है वैसे जो भी है, और स्पॉन्सर नहीं है भाई ये, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कौन सी कंपनी की, इसलिए चलो अभी इसको यहाँ सेटअप करते हैं, अभी कबाड़ा भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, अभी तो बहुत कबाड़ा रखा हुआ है, और मतलब एक आई होप कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये कमरा जो है सेटअप हो जाएगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। भाई ये इतनी भारी है, अभी हमने इसको उल्टी रख रखी थी ना, अभी सीधी करी कमर गई भाई, इतनी भारी है, मतलब एक साइड से ना दो बंदों बड़ी मुश्किल से उठ गए, इसमें इंचों का वेट पता है, अब पता चल रहा है कितना वेट है इनमें भाई, सही में हाँ काफ़ी वेट है ना। भाई अभी मैं जा रहा हूँ बेसिकली केक लेने के लिए, क्योंकि आज है आकाश का बर्थडे, तो आकाश और प्रिया यहीं पे आने वाले हैं दोनों के दोनों, शाम को अपना फैमिली के साथ यहीं केक काटेंगे और पार्टी वार्टी करेंगे अपना घर पे यहीं पे, और सिमन जी आज जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, लाल कुर्ती है, जा रही हूँ, ऐसा ये सोच रही है, ऐसा ये सोच रही है, तो बस मैं जा रही हूँ, दूंगा ही
पर ये इनके धूप बहुत ज्यादा हो रही है, लगभग मैं ठीक हो जाऊंगी भाई। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। 40 डिग्री टेम्परेचर रहती है अंदर, मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ दो, मैं ना ऐसे बिल्कुल तृप्त हो जाती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब मुझे ऐसे वो मिल जाता है मोक्ष। अच्छा, जय जय हनुमान जी को जय कर दो। सुबह ही अपना केक आ चुका है और अभी हम जा रहे हैं घर। सरोजनी का प्लान हो चुका है, सरोजनी सॉरी लाल कुर्ती का प्लान हो चुका है ड्रॉप। लाल कुर्ती बेसिकली वैसी है जैसे कि दिल्ली में सरोजनी, वही मान के चलो तुम यहाँ का, हमारे मेरठ का लाल, हमारे मेरठ का सरोजनी है वो। तो सिवन को पता नहीं क्या ही मजा आता है ऐसे जगहों में, वहाँ पता नहीं धूप में घूमने में, पर ठीक है औरतों का कुछ नहीं हो सकता। तभी हम घर, तभी क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया, 3 बज रहे हैं और फिर वो लोग भी आएंगे, प्रिया आकाश भी आएंगे अभी 1.5 घंटे बाद, तो मेरे को कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तो छोड़ के आ जाऊँ, फिर ये आएगी, पहले तो मैं 1.5-2 घंटे वहीं लगाएगी और ये डेढ़ दो घंटे इसे वही टाइम का नहीं पता चलता वहाँ जाने के बाद, तो वही है। तो अपना घर चलते हैं, फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया, फिर कभी आ जाएगी। तो मैंने छाया से बोला कि मेरे लिए एक सैंडविच बना दे, पहले तो ये भूतनी ऐसी क्यों लग रही है। तो सैंडविच ने बस ऐसे ही खाना पूर्ति बनाया, फिर फाइनली कुछ भी जैसा तुमने बोला था वैसे तुम्हें भी पसंद था। फिर फाइनली मेरे को ही आना पड़ा, मास्टर शेफ को आना पड़ा और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक बढ़िया एग सैंडविच बनाई है, वही वही खाई। बढ़िया, देख सकते हैं चलो आप एग की उल्टा बना देंगे ना भाई, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है भाई। अब इसको इसके अंदर रखा जाएगा, ये लेयर, उसके ऊपर से खीरा, खीरा नहीं वैसे इसके साथ खीरा अच्छा लगता है, प्याज डालेंगे और टमाटर। मुझे तो लगा ये बोलिए तुझे कटोरा लेके आ रही है, कैमरा लेके आ रहे हैं तो क्या है भैया, बर्थडे गिफ्ट लेके आ गया। बैलून, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ भाई हैप्पी बर्थडे, ओ भाई टू यू, यस बर्थडे दमाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और तो मार्जिन से भाग ले आगे जाओ, फूफा को बुला के लाओ, चलो फूफी, लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फूफा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो भाई अभी आकाश जा रहा है और प्रिया नहीं जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? लग तो अच्छा ना, लेकिन मजबूत क्या लग अच्छा रहा है, क्या कह रही है? लग तो अच्छा, हाँ लग तो अच्छा रहा है, मैंने कहा लग तो अच्छा नहीं रहा है। देखा प्यार प्यार ना रहा, एक रात में कितना बदल गया बदल गया बिग बॉस, आपने क्या किया हालात 4 ले ली मैंने, ये लो कार में बैठ के खाओगे नहीं? तू भी खाएगी क्या? तू भी खाएगी प्रिया? ले भाई बहुत जाते जाते कुल्फी पार्टी सेम खाएगी थोड़ा बहुत है? नहीं गला खराब हो रहा है, ये देखो अरे अम्मू हो गई ये बच्चे पक गए, ये तुम्हें क्या बना रखा, इसका थैला सा पहना रखा तूने, इसके गर्मी के कपड़े मैंने निकाले नहीं है, वो थोड़े मोटे और एकदम गर्मी आ रही है, 100 रुपए घूम रही है बिल्कुल, मेरी टी-शर्ट पहन बंजारी बंजारन, ओए बंजारन बंजारन हो तुम, आज तो मूवी गंदा हो रहा है, चुग्गी वाली बच्ची। वैसे जो झुग्गी वाले बच्चे होते हैं ना उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, अरे मैं बताऊं इम्यूनिटी भी उनकी स्ट्रांग होती है, और फिर दूसरी बात ये वो बच्चे वैसे भी डरते नहीं है, और हम गांव में थे हम ऐसे नहीं लगते थे, और फोटो में देखा भाई मुंह पे चेप पे लग रहे हैं, ऐसे रहते थे गांव में, यही तो होता है मिट्टी के साथ बच्चों का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, सिर्फ घर घर में रखते ना वो बहुत गलत, अब देखा है नीचे कुछ गिर जाए उठा के खाने नहीं देते, हम तो गांव में मिट्टी में से मिट्टी में लगा लगा खा जाते थे, मिट्टी से कनेक्शन बहुत जरूरी है बच्चों का, बच्चों का खुद का भी, घूमना भी चाहिए पैदल पैदल घूमना भी चाहिए नंगे पैर। हाँ आकाश गया, हम भी चलते हैं अपने घर अंदर, यहाँ क्यों बैठ गए भाई तुम, धरना दे रही है सुन, मम्मी चलो अंदर चलो, अंदर चलो,
आइसक्रीम दे दो भाई, इसे कुल्फी दे दो। जीव तो पहुंच रही है ना, देखियो देखियो देखियो। खाना खाना आया है, नीचे आ जाओ भाई, सारे नीचे आ जाओ। आंटी जी नीचे आ जाओ, रूरू अनबॉक्सिंग कर रहा है, खोल लो खोल लो। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, ये तो बोल रहा है, ये जो मोटे गड़े एक कुंटल के, अपनी बात कर रही है क्या? भाई 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 भाई, बॉडी टू वेट रेशियो होता है गाड़ियों में, बॉडी टू वेट रेशियो होता है, तो लंबाई के हिसाब से वेट रेशियो जब तू निकालोगे ना तो उसका ही ज्यादा है। तो गाड़ी है भाई, गाड़ी में क्या, वैसे भी तो होगा पावर वाली तो होती है, टॉर्क टॉर्क करो तो ज्यादा ही है ना। खोलो 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 खोल लो, खा खा के भैंस हो जाऊंगी, पर खाती जाऊंगी मजे ही मजे। कभी आ रहे चाट पकौड़े, कभी आ रहे दही बल्ले, कभी आ रहे सौंठ पापड़ी, पर खाती जाऊंगी मजे ही मजे। एक कुंटल की हो जाऊंगी, फटके गुब्बारा हो जाऊंगी, हवा में उड़ जाऊंगी, अंतरिक्ष पहुंच जाऊंगी, पर खाती जाऊंगी मजे ही मजे। चलो भाई खत्म बानी कहानी, चलो टाटा बाय बाय, चलो। पर मैं और सोना दोनों जा रहे हैं थेरेपी के लिए, जो कि हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम। मेंटली खराब हो चुके हैं दोनों, हमें बहुत जरूरत है, तो इसीलिए हम थेरेपी के लिए जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं थेरेपी के लिए? शॉपिंग। लड़कियों के लिए कुछ नहीं, हमें लड़कियों के लिए वही होती है थेरेपी, हमें लेना कुछ नहीं है, पर हम जा रहे हैं, जा रहे हैं जिससे हमें अच्छा लगे और पैसे उड़ा के आएंगे। लेना भी कुछ नहीं है, समझ जाओ तुम क्या चाहते हो भाई। बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करके ना, ऐसे नशे ना ऐसे काम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है, जरूरी और, है। और तो पहली बार हम जा रहे हैं गाड़ी से शॉपिंग पे, शॉपिंग करने नहीं गए हम, शॉपिंग करने नहीं गए यहाँ, और सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं, पीछे कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों। हमें शांति चाहिए शॉपिंग, बाकी सब परेशान करते हैं। छाया तो बहुत ज्यादा करती है भाई, हद परेशान, तो मैंने इसलिए पूछा भी नहीं, कह रही थी मेरे से मैं चलूं तेरे साथ, कि मैंने कहा देख ले तेरी मर्जी है, वो दुखी जाती है मार्केट में, इसीलिए तो नहीं कूद नहीं गई वो, उसने कहा गर्मी भी है भाई, गर्मी से तो बड़ा दिक्कत है भाई। तो गाड़ी कर दी हमने पार्क, और यही सेफ जगह लगी हमें, खाली और दूरी सी, क्योंकि अभी भी हम थोड़ी थोड़ी सी न्यूबी ड्राइवर है, पार्किंग में चलानी तो आ गई, बढ़िया खड़ी करी है, बस खड़ी सही हो गई है, चलो सीख जाऊंगा, पीछे के साथ रह रहे के मैं सीख रहा हूं। बहुत ही बढ़िया। ये औरत हमने थैला लेकर आई है, इस झोले दीदी हमने झोला दिखा दे, इस झोले के अंदर मैडम के सेब और मैडम के ओरेस ओरेस वो मेरे हैं, और पानी जो दोनों का है और हम पहन के आए भैया चप्पल ही दे रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें घूमना है।